So this is what happened after a real holy photo shoot. But not this time. Let's do a holy photo shoot without any colors and gulal. This is Priya Shetty and welcome back to my YouTube channel. So today's video, it's another photoshoot video, and today's video, it's a holy special video. That means we are going to do a holy photoshoot, and in today's video we are doing holy photoshoot without using any colors, any gulal, because aapne first clip mein dekha hi hoga ki last time jab maine gulal ke sath photoshoot kiya tha, you know, I got some amazing picture but it was a mess, like मैस. एंड बाद में मुझे सारा कुछ यू नो साफ करना पड़ा, एंड नीचे का पार्ट भी यू नो चलो वो जैसे तैसे हो गया, बट जो पूरा गुलाल था वो मेरी यू नो वॉल पे आ गया था, बिकॉज हमारे वॉल पे कुछ ऐसी डिजाइंस है एंड उसमें वो इकट्ठा हो गया था, एंड आई वाज लाइक मैन. सो इस बार मैंने सोच लिया था कि आई एम नॉट यूजिंग एनी गुलाल, बट इन केस इफ यू वॉन्ट टू सी सम पिक्चर्स आइडिया विद गुलाल, दैट आई विल शेयर दैट वीडियो हियर, सो प्लीज डू वॉच दैट. नाउ एज अ सैड वी आर नॉट यूजिंग एनी कलर एंड गुलाल, बट हाउ we will do a holy photo shoot. So for that we are going to do some editing, and this video it's all about that. And I really hope aapko ye video you know interesting lag rahi ho, like topic interesting lag raha ho. Agar lag raha hai then please keep on watching. Now to get a picture like this without using any gulal and colors, आपको एक picture click करना पड़ेगा जिसमें आप pretend कर रहे हो कि आप you know गुलाल उड़ा रहे हो, and yeah that's it. जब आपको perfect shot मिल जाएगा then हम इस picture को edit करेंगे in PicsArt app. नाउ इस पिक्चर को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टिकर, आपको वो सिलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर रेड स्मोक, एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द स्मोक जो ज़्यादा यू नो रियल एंड ओरिजिनल लगे. सो हियर आई एम यूजिंग दिस स्मोक, एंड फर्स्ट मैं इसको प्लेस करूँगी साइड में जहाँ पे ऐसा लगेगा कि यू नो गुलाल उड़ रहा है, एंड ऊपर आपको यू नो इस टाइप के बॉक्सेस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ये सेम स्टिकर को डुप्लीकेट कर सकते हो. सो आई विल डू दैट, एंड फिर मैं जो डुप्लीकेट वाला पार्ट है उसको भी इसी टाइप से प्लेस करूँगी. नाउ हियर यू शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द प्लेसेज जहाँ पे आप ये स्मोक को प्लेस करोगे, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि वो यू नो रियल एंड ओरिजिनल लगे. एंड देन व्हाट आई विल डू कि मैं सेम स्मोक को बहुत बार डुप्लीकेट करके मैं इसको यू नो अपनी हथेली के ऊपर इकट्ठा कर दूँ, ताकि वहाँ पे एक्चुअली लगे कि मेरे हाथ में गुलाल है एंड मैं उसको उड़ा रही हूँ. नाउ हियर अगेन आई एम एडिंग मोर रेड स्मोक एट द साइड, सो इट्स ऑल अप टू यू, आपको जितना भी यू नो गुलाल उड़ाने का पिक्चर क्रिएट करना है आप कर सकते हो. एंड मैं एक स्मोक को यू नो साइड में भी प्लेस कर दूंगी ताकि पिक्चर और ज़्यादा ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग लगे. एंड या दिस इज हाउ द फाइनल पिक्चर लुक्स. Now to get a picture like this without using any gulal and colors, you have to click a picture like this. So यहाँ पे मैं स्टेप से बैठी हूँ एंड आई एम फ्लिपिंग माई हेयर. सो हियर द ओनली टिप आई कैन गिव टू गेट दैट फ्लिपिंग मूवमेंट इज दैट यू हैव टू डू दैट फ्लिप वैन यू सी 1 second इन योर टाइमर, एंड या दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन गेट द परफेक्ट शॉट. एंड जब आपको परफेक्ट शॉट मिल जाएगा देन हम इस पिक्चर को एडिट करेंगे इन PicsArt ऐप. नाउ इस पिक्चर को PicsArt ऐप में ओपन करने के बाद अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन स्टिकर, एंड देन यू हैव टू अगेन सर्च फॉर रेड स्मोक, बट यहाँ पे हम दूसरा टाइप का रेड स्मोक का स्टिकर यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये यू नो ज़्यादा रियल एंड ओरिजिनल लगेगा, एंड ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में हम यू नो बालों से अपने यू नो गुलाल उड़ा रहे हैं. सो यहाँ पे स्टिकर को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको प्लेस करूँगी यू नो अपने बालों के एंड में इस टाइप से, एंड थोड़ा सा यू नो उसको बालों के यू नो अंदर भी रखूँगी ताकि ऐसा लगे कि यू नो बालों से ही रंग निकल रहा है. एंड अगेन मैं ऊपर वाला जो बॉक्स वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सेम स्टिकर को डुप्लीकेट करूँगी, एंड सेकेंड वाले को भी उसके नीचे प्लेस करूँगी. एंड अगेन हियर यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द प्लेसेज जहाँ पे आप ये रेड स्मोक को प्लेस करोगे. यू हैव टू ट्राई कि यू नो आपका पिक्चर रियल एंड ओरिजिनल लगे. एंड देन अगेन आई विल सेलेक्ट द स्टिकर ऑप्शन, एंड आई विल ओपन द सेम रेड स्मोक जो हमने लास्ट पिक्चर में यूज़ किया था, एंड उसको मैं इस टाइप से यू नो आगे वाले बालों पर प्लेस कर दूंगी ताकि ऐसा लगे कि यू नो पूरे बालों में कलर भरा हुआ है. एंड अगेन मैं सेम स्टिकर को डुप्लीकेट करके उसको यू नो पूरे बालों में प्लेस कर दूंगी. एंड इन केस अगर स्टिकर थोड़ा सा बड़ा है सो यू कैन यूज़ द ऑप्शन इरेजर, एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो.
एंड अगेन इस पिक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सेम रेड स्मोक को डुप्लीकेट करूँगी एंड उसको मैं अपने नेक पे प्लेस करूँगी एंड अपने हाथ पे भी प्लेस करूँगी ताकि एक्चुअली में लगे कि मैंने गुलाल से होली खेली है एंड फिर मैंने ये पिक्चर क्लिक करा है. सो या दैट्स इट, दैट्स हाउ द फाइनल पिक्चर विल लुक. टू गेट अ पिक्चर लाइक दिस विदाउट यूजिंग एनी कलर एंड गुलाल, फर्स्ट आपको पिक्चर क्लिक करना है जहाँ पे आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपके ऊपर कोई गुलाल डल रहा है और मे बी यू कैन टेक द रैंडम शॉट जो भी आपको बेस्ट लगे आप क्लिक कर सकते हो. एंड जब आपको परफेक्ट शॉट मिल जाएगा देन कम टू द पिक्सार्ट ऐप एंड वी विल एडिट दिस पिक्चर. नाउ पिक्सार्ट ऐप ओपन करने के बाद यू हैव टू स्क्रॉल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन पिक कैनवास एंड यहाँ पे आपको सिंपली व्हाइट कलर का कैनवास को सेलेक्ट करना है एंड उसको स्क्वायर रेशियो में क्रॉप करना है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन नेक्स्ट एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शन सेव एंड एडिट. सो यहाँ पे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे आपको पूरे फंक्शन मिल जाएंगे. सो नीचे आपको एक स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन इट एंड देन सर्च फॉर कलर बैकग्राउंड. नाउ यू हैव टू स्क्रॉल एंड सेलेक्ट योर फेवरेट कलर बैकग्राउंड. जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हो वो ऐसा गुलाल टाइप का लगे एंड देन हम स्टिकर को ये वाइट कैनवास में प्लेस करेंगे. नाउ हियर आई एम यूजिंग टू टाइप ऑफ कलर बैकग्राउंड एंड मैं उनको डुप्लीकेट ऑप्शन के थ्रू डुप्लीकेट करके ये पूरे कैनवास में प्लेस कर रही हूँ एंड या दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. एंड जब आपका परफेक्ट कैनवास बन जाए देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन एड फोटो एंड यहाँ पे आपको वाला फोटो सेलेक्ट करना है जो आपने क्लिक करा है. एंड जब वो फोटो ओपन हो जाएगा देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन कट आउट एंड यहाँ पे अगेन यू विल सी सम ऑप्शन जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है पर्सन. सो जो भी पर्सन उस पिक्चर में होगा वो कट आउट हो जाएगा. सो जो कट आउट पर्सन है दैट मींस यू, आपको अपने आप को प्लेस करना है एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर लाइक दिस. नाउ परफेक्टली प्लेस करने के बाद टू मेक दिस पिक्चर मोर इंटरेस्टिंग आई विल सेलेक्ट द ऑप्शन स्टिकर एंड अगेन आई विल सेलेक्ट द सेम कलर बैकग्राउंड वाला स्टिकर एंड मैं उसको प्लेस करूंगी अपने चीक पे, अपने हाथ पे एंड या दैट्स इट. नाउ टू मेक दिस पिक्चर मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग आई विल अगेन सेलेक्ट द ऑप्शन स्टिकर एंड आई विल सर्च फॉर होली एंड यहाँ पे मैं ये जो थर्ड नंबर का स्टिकर है ये ब्लू कलर का गुलाल टाइप का उसको मैं सेलेक्ट करूंगी एंड उसको स्टेप से साइन में प्लेस कर दूंगी एंड या दैट्स इट. एज यू कैन सी दिस पिक्चर लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी होली टाइप पिक्चर एंड या दैट्स इट. दिस इज हाउ द फाइनल पिक्चर लुक्स. टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड हेल्पफुल लगी हो एंड इनमें से कुछ भी लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो द पिक्चर आइडिया यू लाइक द मोस्ट एंड ऑल्सो प्लीज डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. इफ यू फाउंड द वन यू शुड नेवर गिव हर अप. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days